हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेंडिंग फ्लेवर्स। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम बनाने वाले हैं सेव खमणी विदाउट खमर। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम 2 कटोरी पोहा लेंगे, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। उसे इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं करना है। फिर उसे पानी से धोने के लिए एक बाउल में ले लेंगे और उसे पानी से ठीक से धो लेंगे। धोने के बाद इस तरह से छन्नी की मदद से उसे छानेंगे ताकि सारा एक्सेस वाटर उसमें से निकल जाए। 5 से 7 मिनट रेस्ट देने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा जो हमारे पोहा है, जिसे हमने ग्राइंड किया है। अब हम एक पैन लेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं 3 टेबलस्पून ऑयल। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स यानी कि रई, 1 टीस्पून हींग। फिर डालेंगे अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस तरह से हरी मिर्ची डालें। फिर डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। सारी चीज़ों को ठीक से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और टेस्ट में बिल्कुल सेव खमणी जैसी ही लगती है। फिर जो हमने पोहे को धो के रखा था उसे डाल देंगे पैन में। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, थोड़ा सा नींबू का रस, और 1 टेबलस्पून चीनी। सारी चीज़ों को ठीक से मिक्स करेंगे। तो तैयार है हमारी सेव खमणी। बिल्कुल इजी और क्विक रेसिपी है और इसका टेस्ट सच में सेव खमणी जैसा ही आता है। तो आप प्लीज़ रेसिपी को ट्राई कीजिए। फिर उसे हम ऊपर से हरी चटनी से गार्निश करेंगे। थोड़े से अनारदाना डाला है, थोड़ा सा धनिया, फिर ऊपर से सेव डालेंगे। तो तैयार हो जाएगी हमारी सेव खमणी। हमने ऊपर से चीज़ भी डाली है, इससे भी टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। तो आप उसे भी ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको सेव खमणी विदाउट खमण की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल ब्लेंडिंग फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।